लुल्लू मॉल और विवाद के बीच इस चिट्ठी को देखिए। चिट्ठी में क्या है और क्यों लिखी ये चिट्ठी, और इस चिट्ठी के बाद विवाद क्या शांत हो जाएगा, आगे बताएंगे आपको। मगर इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वही लुल्लू मॉल है जिसे कभी लव जिहाद का अड्डा बताया गया, तो किसी ने इसे धर्म के साथ खिलवाड़ बताया, तो किसी ने मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़कियों को रखने पर सवाल उठाया। जी, हम बात कर रहे हैं सुशांत गोल्फ सिटी लुल्लू मॉल की। वही मॉल जिसका विवादों से कनेक्शन टूटने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों कभी मॉल में नमाज पढ़ने तो कभी हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद ने इस मॉल को धर्म के नाम पर नई जंग का अखाड़ा बना दिया। मगर लगता है कि लुल्लू मॉल में नमाज पढ़ने के बाद उपजे विवाद का मामला ठंडा पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। सवाल खड़ा हुआ कि क्या मॉल में सिर्फ मुस्लिम लड़के लड़कियों को ही नौकरी पर रखा जा रहा है, और खास तौर पर मुस्लिम लड़के और लड़कियां हिंदू हैं, तो क्या है इस विवाद का सच? सवाल बड़ा था, तभी तो लुल्लू मॉल को खुद सफाई देनी पड़ी। मॉल के प्रबंधन ने बकायदा जो सफाई दी वो आपके सामने है। सफाई में दावा किया गया है कि हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी हैं वो जाति मजहब के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी कार्य कुशलता के आधार पर और मेरिट के आधार पर रखे जाते हैं, जिसमें 80% से ज्यादा हिंदू हैं और बाकी बचे मुस्लिम, ईसाई और दूसरे धर्मों से आते हैं। आपको बता दें, ये पत्र लुल्लू इंडिया शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक जय कुमार गंगधार की ओर से लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि लुल्लू मॉल एक पूर्णतः व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो बिना किसी जाति, मत या वर्ग का भेद किए हुए व्यवसाय करता है। उपभोक्ता ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमारा प्रतिष्ठान शासन के नियमों के अंतर्गत निर्धारित मर्यादा में व्यवसाय करता है। हमारे यहाँ जो भी कर्मी हैं वह जाति, मत, मजहब के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी कार्य कुशलता के आधार पर रखे जाते हैं। यानी लुल्लू मॉल 70-80% मुसलमान और 20-25% हिंदू लड़कियों को एक साजिश के तहत नौकरी देने के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। वहीं विवादों के बीच पुलिस भी एक्टिव दिखाई दे रही है। विवादों के बीच अब मॉल प्रबंधन ने हर फ्लोर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। मॉल की सुरक्षा के लिए करीब 200 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं, साथ ही 1016 CCTV कैमरे भी एक्टिव कर दिए गए हैं। मॉल प्रबंधन ने ये फैसला करनी सेना से जुड़े 10 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद लिया है। यानी साफ है कि 10 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से लुल्लू मॉल का उद्घाटन किया था, इसके बाद 12 जुलाई को एक वीडियो सामने आना जिसमें मॉल में कुछ लोगों के नमाज पढ़ते हुए दिखाई देना, इस वीडियो के वायरल होने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा का विवाद में कूदना, और अब लुल्लू मॉल का सफाई देना। यानी साफ है कि विवाद थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अब ये विवाद कहां जाकर रुकेगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।